नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए YouTube के वीडियो में। हम बात करेंगे हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक के ऊपर। तो ये हमारा सीरीज है हार्ट प्रॉब्लम के लिए। आज का पहला वीडियो हार्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स और बेहतरीन एक पर्टिकुलर दवा के बारे में बात करेंगे जो रिमाटिज्म के साथ एसोसिएटेड है। मतलब आपको वात रोग भी हो और उसके साथ साथ हार्ट का कोई दिक्कत हो तो उसके लिए कौन सा बेहतरीन दवा है, आज बात करेंगे। ये पूरे सीरीज में सीरीज का वीडियो बनाएंगे हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड जो बेस्ट दवाइयां हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन लेने के बाद बहुत सारे लोगों को हार्ट की दिक्कत हो रही है, चाहे वो यंगस्टर्स हो या फिर ओल्ड जनरेशन के पीपल हो, अचानक से उनकी मौत हो रही है। चलते चलते बात करते करते और नाचते नाचते अचानक से वो गिर जाते हैं, उनका स्ट्रोक आ जाता है और उनकी मौत हो जाती है। खास करके जो लोग ओवर्स लिमिटेड से ज़्यादा एक्सरसाइजेस करते हैं तो उनकी अचानक से मौत होती है। नाचते वक्त जिम में बहुत सारे लोगों की होती है, उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो क्लॉट फॉर्मेशन हुआ है शरीर में कहीं भी किसी भी जगह पर नस नाड़ियों में, वो अगर किसी जगह पर अटक जाती है तो अचानक से उनकी मौत हो जाती है। तो ये जो हार्ट का मामला है, चाहे वो कार्डियोवास्कुलर कोई डिजीज हो या फिर एंजाइना पेक्टोरिस का दर्द हो या फिर हार्ट अटैक हो, ये जो भी प्रॉब्लम है उनसे कैसे बचा जाए तो उनका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में हम वीडियोस बनाएंगे। आप अच्छी तरह देखना हर एक वीडियो को, बहुत ही बेहतरीन है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आज का जो वीडियो है हम बात करेंगे लिथियम कार्ब के ऊपर। लिथियम कार्ब दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन दवा है जो कि हार्ट संबंधित समस्याएं हैं तरह तरह के, जो कि मोस्टली वाल्वुलर प्रॉब्लम्स, वाल्व्स, हार्ट में जो वाल्व्स होते हैं जो कि खून एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर तक जाता है और वो शरीर में फिर फैलता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है वाल्व्स के रिलेटेड, उससे अगर कोई दिक्कत होती है तो अक्सर हम जाते हैं कोई एलोपैथिक डॉक्टर के पास, कार्डियोलॉजिस्ट के पास, वो बोलता है कि आपको मोस्टली दवा खाना पड़ेगा, अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं किया तो आपको वाल्व्स रिप्लेस करना पड़ेगा, डैमेज हो चुका है। और कई बार लोग करते भी हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आता, फिर लोग परेशान हो जाते हैं और हैवी वर्क भी नहीं कर पाते सर्जरी के बाद। उस सब से बचने के लिए होम्योपैथी का जो जो बेहतरीन दवाइयाँ हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज का जो इम्पोर्टेंट दवाई है वो है लिथियम कार्ब। देखते हैं उसका जो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है, कैसे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं हार्ट प्रॉब्लम, रिमाटिज्म और दूसरे कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स है उसके बारे में भी मैं नजर दूंगा। आप अच्छी तरह से इसको नोट कर लेना, देख लेना और याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट है क्रॉनिक रिमाटिज्म और वाल्वुलर हार्ट प्रॉब्लम्स। वाल्व से रिलेटेड कोई भी हार्ट का प्रॉब्लम हो, जो कि प्रॉपर तरीके से वो वाल्व खुले ना, ठीक तरीके से वो हार्ट का वो जो फंक्शनिंग है नहीं हो पाता, अगर वाल्व ठीक से ना काम करे, ये जो गेट होता है एक तरह से ऐसे खुलता है फिर खून को एक ही तरह चैम्बर से दूसरी चैम्बर की ओर छोड़ता है, ये गेट होता है, वन वे साइड, वन वे ओपनिंग, दोनों साइड से ओपनिंग नहीं होता, उसमें प्रॉब्लम आ जाता है फिर हार्ट का। ये एक ही साइड में खुलता है वाल्व्स, तो खून पास होता है एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर की तरफ, फिर उसमें दिक्कत आ जाती है तो ये प्रॉब्लम दिखाई देती है। जब भी किसी को रिमाटिज्म हो, वात रोग हो, जबरदस्ती उसको सप्रेस कर दिया जाए, ठीक है, एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सप्रेस कर दिया जाए पेन किलर या फिर स्टेरॉइड लेकर, कभी कभी किसी बिजी पर्सन में वो ट्रांसमिट करता है हार्ट की तरफ, तो उसको रिमाटिक हार्ट भी बोलते हैं। तो रिमाटिक हार्ट रिमाटिज्म का एक ऑल्टरनेटिव रूप है। जब भी कोई बीमारी क्रॉनिक डिजीज को हम सप्रेस करते हैं वो अंदरूनी तौर से वो ट्रांसमिट करता है, वो अपने जगह परिवर्तन करता है और लिमिटेड जो बीमारी है जो कि कम खतरनाक है वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो यहाँ पर भी उसी तरह का मामला है, कम खतरनाक बात रोग से फिर वो हार्ट की तरफ रिमाटिक हार्ट हो जाता है, जिंदगी के लिए खतरा बन जाता है। तो उससे कैसे बचा जाए, लिथियम कार्ब उसके लिए स्पेसिफिक मेडिसिन है। नेक्स्ट है यूरिक एसिड डायलिसिस ऑफ होल बॉडी सॉल्ट। जो गठिया का मामला है, यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है यूरिन में या फिर खून में, यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसमें भी पूरे शरीर में जॉइंट्स जो है, जितने भी तरह के जोड़ों हैं आप, जो छोटे उंगलियों का जोड़ हो या फिर बड़े बड़े जोड़ हो, वह सूजन हो जाती है, उसमें रेडनेस आ जाती है और बहुत ज़्यादा अंदर ऐसा लगता है छूने से कि मान लो कोई बहुत ज़्यादा टक्कर हो गया हो, थोड़ा सा भी छूने से बहुत ज़्यादा दर्द होना, सूजन आ जाना, फूल जाना, टेढ़े मेढ़े हो जाना उंगलियाँ, ये गठिया का जितना भी लक्षण है बहुत बढ़िया काम करता है यूरिक एसिड के प्रॉब्लम के लिए। नेक्स्ट आता है इसका
violent pain in heart when bending over, when urinating and menses. हार्ट में अचानक से दर्द होना, कब? तीन इंपॉर्टेंट इसके कारण हैं कि जब भी आप यूरिन निकल करें, जब भी यूरिन जाते वक्त दर्द आना, थोड़ा सा भी झुकने पर दर्द आना हार्ट में, या फिर मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान, जो हमारे औरतें हैं उनको मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान अगर इस तरह का जो दर्द आता है हार्ट में, तो उसमें भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। फ्लटरिंग ऑफ हार्ट मेंटल एजिटेशन, मतलब आप मेंटली बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, थोड़ा एंजाइटी है, थोड़ा डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा घबराहट है, उस वक्त आपका पल्पिटेशन बहुत ज्यादा होना, फ्लटरिंग ऑफ हार्ट, मतलब वाल्व ठीक तरह से जब काम ना करे, फ्लटरिंग होती है, पल्स ठीक तरह से नहीं आता, वो थोड़ा सा इधर उधर आता है, थोड़ा अबनॉर्मली वो पल्स जब होता है उसको फ्लटरिंग ऑफ हार्ट बोलते हैं, तो वहां पर भी बहुत बढ़िया काम करता है। ये जो यूरिक एसिड की बात कही है, यहाँ पर भी नेक्स्ट टाइम दिया हुआ है कि यूरिक हैवी म्यूकस, पल्स और यूरिक एसिड, यूरिन में जो यूरिक एसिड डायथेसिस गाउट का, गठिया का हमने बात कही है, तो यूरिक एसिड के अलावा म्यूकस और पस भी हो सकता है यूरिन में ज्यादा मात्रा में। यूरिन का जब हम रूटीन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करेंगे तो उसमें ज्यादा म्यूकस आएगा, ज्यादा पस आएगा, या फिर ज्यादा यूरिक एसिड, म्यूकस, पस, ये तीनों में से कोई भी अगर यूरिन आपका टेस्ट में आए तो आप लिथियम कार्ब दे सकते हैं, रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। ये तो हो गया हार्ट से रिलेटेड कुछ दो इंपॉर्टेंट इसका और सिम्टम्स है जो पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं उसको, हेडेक और स्टमक पेन, इम्यूनोटोमेटिंग, खाने के बाद आपका सर दर्द और पेट दर्द में आराम मिलना, जो कि आपको एनाकार्डियम में भी मिलेगा ये दवाई में। दो पर्टिकुलर सिम्टम है, हेडेक और स्टमक पेन में आराम मिलना खाने के बाद, ये आमतौर पर एनाकार्डियम में भी आपको मिलेगा स्पेसिफिक मरीज में। दूसरा है बार्बर सीस, जो कि दाढ़ी में जो आप सेव करते सेविंग करते हैं उसके बाद इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, खुजली होती है, जो एक्सटर्नल इरप्शन हो जाता है, तो उन सब में भी बहुत बढ़िया आराम मिलता है। तो ये पर्टिकुलर कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम हुआ हार्ट से रिलेटेड, और इसके अलावा और भी बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे। आप अच्छी तरह देखना हर एक वीडियो को, शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। हार्ट से रिलेटेड कई ऐसे मेडिसिन है जो कि पोटेंसी में दिया जा सकता है और मदर टिंचर्स में भी लिया जा सकता है, तो सेपरेटली हम बात करेंगे। ये जो दवाई है खास करके आप ये आप पोटेंसी में लीजिए, बहुत बढ़िया इफेक्टिव है। पोटेंसी कैसे लेना है, 30 पोटेंसी दिन में 3 से 4 बार आराम से ले सकते हैं, 2-3 दिन बूंद डायरेक्टली जीभ पे, ये आपको 5-7 दिन 10 दिन तक लीजिए, फिर उसके बाद दिन में 2 बार करके और 5-7 दिन लीजिए, टोटल 10-15 दिन ले सकते हैं, दिन में 4 बार 5-7 दिन, दिन में 2 बार फिर 5-7 दिन, ठीक है। ये आपने ले लिया 14-15 दिन हो गया, फिर उसके बाद 200 पोटेंसी का दिन में 2 बार 2 दिन ले लेना और फिर उसको छोड़ देना। 15 दिन के बाद 1 एम का सिंगल डोज लेकर आप टोटली इसका कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अगर ये सिम्टम्स मैच कर गया तो परफेक्टली आपकी बीमारी क्योर हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ लिथियम कार्ब से। तो ये तो था आज का इंपॉर्टेंट मेडिसिन लिथियम कार्ब। ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए ताकि सही तरीके से आपको नोटिफिकेशन मिले, क्विकली मिले और आप वीडियो को देख पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।